Hey guys, welcome to Fish on Reef. Guys, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज के वीडियो में हमने मारी है सुरमई, बैराकुडा और एक ग्रुपर, और आपको इसी के साथ में एक फ्लाइंग फिश भी देखने मिलेगी. तो वीडियो काफ़ी आज का इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और पूरा मज़ा लें. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुँचे. और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक किए बगैर जाना नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रॉलिंग सेशन. गया, हुकअप ही नहीं हुआ. तो जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचे, उसी टाइम पे हमें बड़े एमजी की एक काफ़ी अच्छी तगड़ी बाइट आई थी, बट ये छूट गई. रीज़न इसकी वजह से क्योंकि इसका रॉड का एक्शन जो है वो काफ़ी स्लो एक्शन रॉड है. और सॉल्ट वाटर के मच्छी तो आपको पता ही है, इनके जॉज मूव बहुत काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. तो इनको मैंने काफ़ी स्ट्राइक भी मारी थी, बट फिर भी हुकअप नहीं हो पाई. तो रॉड एक्शन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ज़रूर आप उसको पूरा देखें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वाले रॉड के ऊपर हमें और जानकारी मिल सके. आज जो फिश हम टारगेट कर रहे हैं सुरमई, आज चांस काफ़ी अच्छा है ये हमको लग जाए, क्योंकि आज हवा स्टेबल है और पानी भी काफ़ी साफ है. और शाम के टाइम अंधेरा होने से पहले चांस है कि सुरमई फीडिंग के लिए निकले. हो सकता है शायद हमें कुछ स्ट्राइक मिल जाए. ये जो नज़ारा है टोटली माइंड ब्लोइंग एंड ब्यूटीफुल है. समंदर के बीचों बीच ऐसा लग रहा है मैं ओपन ग्राउंड में आ गया हूँ. दूर दूर तक कुछ भी नहीं सिवाय इन ब्यूटीफुल आइलैंड के, और सामने डूबता हुआ सूरज और खुला आसमान. डीप सी एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है. आप लोग ज़रूर इस रिफ्रेशिंग ट्रिप का प्लान करें. थोड़ी देर ट्रोलिंग करते करते कड़क स्ट्राइक मिलती है और फिशिंग रील चिल्लाती है ज्विंग ज्विंग. आप ज़रूर मेरी हैंडलिंग टेक्निक देखना, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फिश को हैंडल करता हूँ, बिना मच्छी पे प्रेशर डाले, कब हमें पंप करना है, कब रीलिंग करना है, कब मच्छी को रन देता हूँ. ये टेक्निक से मैंने बहुत फिश इजीली लैंड किए हैं. ये एक राइट तरीका है फिश हैंडल करने का. फिशिंग रील चिल्लाती है ज्विंग ज्विंग. सुरमई है फिश ऑन हुई है गाइस. सुरमई है ना? हाँ सुरमई है. सुरमई गाफ है, देख बड़ा वाला छोड़ दिया है. क्या
सुरमई है कंफर्म। अच्छा किरण नीचे बोट मेरा कुड़ा है सुरमई किरण बोट घुमा टेंशन मत ले वो बाहर आएगी तू ऐसे ही खेल तू बोट घुमा अरे ऐसे ही खेलना तेरे को बोला ना मैं संभालता हूँ ना यार सुरमई है बारह कुड़ा है सुरमई है हाँ हाँ सुरमई है माशाल्लाह आराम से निकलेगी मैं लेंगा उसको भागने को मौका दे हाँ फुल हाँ फुल लूज है तो जब से नजदीक आ गए तो आराम से जब तक गैप ना मारो तब तक कुछ मत करो ओके माशाल्लाह ओ किरण जवान एक नंबर ओके मजबूत मजा आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला शाम का टाइम है तो सुरमई के फीडिंग के चांसेस हाई हैं तो ये सोच के मैंने क्रिस्टल मीनो ट्रोलिंग के लिए डाला ये एक शैलो डाइव ल्यूर है तो अगर किंगफिश टॉप वाटर बेट पे फीडिंग करती है तो योजुरी इस जगह बाप ल्यूर है सुरमई को टॉप वाटर ल्यूर पे अट्रैक्ट करने के लिए और एक बात अगर हम ट्रोलिंग करते हैं तो सब ओरिजिनल ब्रांड के ल्यूर ही यूज़ करना वरना डुप्लीकेट ल्यूर और मरी हुई मच्छी के जैसे एक्शन देगी जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा Thank you.
कोबरा फिश, बैराकुडा, मजेदार। स्पीड ट्रोलिंग के लिए मैं मिनिमम 100 मीटर्स लाइन दूर छोड़ता हूँ और स्लो ट्रोलिंग के लिए मिनिमम 50 मीटर्स। बस बस रील करते नहीं रहने देते, ऊपर रख, सिर्फ रॉड टाइट रख खाली। आ गया, आ गया, आ गया। नहीं ठीक है, आ गया, अब सही है, तू ओपन है। क्या है भाई, क्या है, 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 है। पारा कूड़ा ये थर्ड फिश, सेकेंड बाराकुड़ा ऑन द बोट, ऑन द रॉक्स, ऑन द बोट्स। ठीक है, बाराकुड़ा नहीं, बाराकुड़ा नहीं है, ऊपर या सब शार्क तो नहीं है। अरे ऊपर इतना फास्ट में मारा चिल्लू कर का, इतना फास्ट मारा वहां का। सो मैं भी शौक हो गई, ग्रुपर इतना फास्ट में मार दिया। तो फ्रेंड्स अभी ऑसम सीन आपको देखने मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल भी मिस ना करना। मैं भी, मेरे को भी पहली बार इतने फास्ट में लगा। उदिक 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 उदिक, वाओ। फ्लाइंग फिश है, मतलब क्या रहेगा इसके पीछे। सुरमई और कुछ नहीं रहेगा, फ्लाइंग फिश फर्स्ट टाइम देखा इतना लंबा जंप मारते। अरे बहुत लंबा गया, वो 100 मीटर के ऊपर गया। सुरमई सुरमई खा के सुरमई मारा है अभी। एक तो उठा ले, एक तो उठा ले।
फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है दूसरों को मच्छी लग रही है और किसी एक पार्टनर को आपकी मच्छी नहीं लगी और वो ऐसे ही चिल्ला रहा है, एक तो उठा ले, एक तो दे दे, एक तो लग जाए? क्या वाकई में आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो आज सिर्फ 3 ही मच्छी लगती है। हम फर्स्ट टाइम रात को भी ट्रोलिंग कर रहे थे बट कुछ भी नहीं मिला। शाम होते ही हवा काफ़ी तेज़ हो गई थी और पानी भी एकदम रफ तूफानी हो गया था, तो हम वापस निकल पड़े। तो गाइस, पिछले 2 सीजनों से ये फिश के पीछे पड़ा था, फाइनली आज हुकअप हो गई है, मेरी फर्स्ट किंग फिश। और इतना मैडनेस और इतना क्रेज़, आई सीरियसली लव इट। जो फाइट दी है, इट वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। कैसे लैंड करना है, क्या करना है, बहुत बहुत सीरियसली बहुत मज़ा है इस फिश के साथ। जो फाइट दी है, ट्रॉफी फिश फॉर मी, फाइनली फर्स्ट किंग फिश आउट ऑफ द वाटर इन माई हैंड राइट नाउ। तो फोक्स, अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, इसको अपने ग्रुप पे शेयर करें। शेयर करने से हमारे चैनल की रैंकिंग बढ़ती है, तो ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।